अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बख्तावर अली मल्टी एजुकेशन करियर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचती रहे थैंक यू सो मच तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ ग्रेन्यूलोसाइट्स आर साइट तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ माइलोब्लास्ट ग्रेन्यूलोसाइटिक सीरीज का पहला सेल होता है जो नॉर्मली बोन मैरो में पाया जाता है जो साइज में बड़ा होता है और इसके न्यूक्लियस में फाइन ट्रेटिक्यूलर क्रोमैटिन पाया जाता है उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लोलाय मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर फाइन ओजरो ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं माइलोसाइट माइलोप्लास्ट के बाद जो सेकेंड स्टेज है वो है प्रोमाइलोसाइट प्रोमाइलोसाइट में प्राइमरी ओजोरोफ्लिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं प्राइमरी ओजोरोफ्लिक ग्रेन्यूल्स साइज में लार्ज और डार्क कलर के होते हैं प्रोमाइलोसाइट के बाद जो स्टेज है वो है माइलोसाइट माइलोसाइट के साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और माइलोसाइट का न्यूक्लियस सनराइज इफेक्ट देता है लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रेन्यूल्स एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को नन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स और ओजोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है प्राइमरी ग्रेन्यूल्स साइज में लार्ज और डार्क कलर के होते हैं जो कि प्रोमाइलोसाइट के साइटोप्लाज्म में अपीयर होते हैं आफ्टर दैट प्रोमाइलोसाइट कंटेन माइलो माइलोपरऑक्सीडिज इज हीम कंटेनिंग पर ऑक्सीडेज विच एक्सप्रेस इन न्यूट्रोफिल माइलोपरॉक्सीडेज है माइक्रोबियल किलिंग एक्टिविटी उसके बाद है सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है जो कि साइज में स्मॉल और सेंट लाइक यानी कि मट्टी की तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि पिंक रेड से पिंक वॉयलेट कलर में अपेयर होते हैं विच कंटेन अल्कलाइन फॉस्फेटिस अल्कलाइन फॉस्फिटिस को एज अ मार्कर कंसिडर किया जाता है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जैसे ल्यूकोम रिएक्शन के अंदर अल्कलाइन फॉस्फिटिस का लेवल हाई होता है जबकि सी एम एल के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटिज का लेवल हाई होता है माइलोसाइट की बात है मेटामाइलोसाइट जैसे जैसे सेल मचोरेशन की तरफ फॉरवर्ड होता है तो न्यूक्लियस का साइज़ डिक्रीज हो जाता है हेयर यू कैन सी द स्लाइटली इंडेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस किडनी शेप में आ चुका है जबकि माइलोसाइड के अंदर न्यूक्लियस सनसेट इफेक्ट देता है या मेटोमाइलोसाइड स्टेज पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का हाफ से ज्यादा एरिया कंटेन करता है न्यूक्लियस इंडेंटेशन इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसके बाद है बैंड सेल बैंड सेल में न्यूक्लियस का साइज साइटोप्लाज्म से छोटा होता है यानी कि न्यूक्लियस इंडेंटेशन इज लेस देन हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म। बैंड न्यूट्रोफिल के, के पात है सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो कि मिच्योर न्यूट्रोफिल कहलाता है मैं अपने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रोफिल की स्पेसिफिक फीचर्स को डिस्क्राइब कर जु, कर चुकी हूँ जिसमें डार्क पर्पल कलर का न्यूक्लियस होता है जो कि सेगमेंटेड होता है और ये सेगमेंट्स जुड़े हुए होते हैं थ्रेड लाइक फिलामेंट की मदद से लेट्स रिवाइड द स्टेप ऑफ मैचुरेशन ऑफ पॉलीमोफ जिसमें माइलोसाइट कवर मोर एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म उसके बाद मेटा मेटा माइलोसाइट ऑल्सो कवर ग्रेटर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म विच अपेयर इन किडनी शेप उसके बाद बैंड न्यूट्रोफिल बैंड न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस का साइज़ और छोटा हो जाता है उसके बाद मिच्योर और न्यूट्रोफिल जो है वो सेगमेंटेड होता है जिसमें फिलामेंट्स की मदद से सेगमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं नाउ चेक फ्यू मॉर्फोलॉजिकल इमेजेस ऑफ मायोब्लास्ट और रोड्स और जोरोफ्लिक ग्रेन्यूल्स का कलेक्शन होती हैं जो कि रोड फॉर्म में पाई जाती हैं जो कंटेन करती हैं पर लाइजोजोमल एंजाइम, ये और रोड्स टू टू थ्री परसेंट मायो ब्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं और रोड्स एएमएल के अंदर नॉस्टिक फीचर के तौर पे कंसीडर की जाती अगर है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच